Hello friends, Namaskar, Sasikal. I am your astrologer friend Amit Kapoor. Today I am presenting you monthly forecast, month of September 2019. Guys, my all predictions are based on your ascendant sign, not for your moon sign and not for your zodiac sign. Let's start for the Aries ascendants. For Aries ascendants, September 2019, guys, aapke liye, sabse pehle aapke dynamics. Mars transit in your 10th house from your ascendant's conjunction with Ketu in direct motion. Saturn will be direct from 6 September 2018 to whole year 2018. Sun transit in your 5th house, Mercury transit in your 4th house from your ascendants. Direct motion. Guys, aapke liye month 2018 September kya lekar aa raha hai? Sabse pehle baat karenge aapki health ki. Health ko dekhe to is month mein aap ek nayi energy feel karoge. Health aapko bahut badhiya rahegi. आपको किसी किस्म की कोई डिसीज़ मुझे बनती हुई नहीं दिखती. अगर पिछले समय से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो आपके रिसॉल्व होंगे. ये मंथ आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉजिटिव है. इस मंथ में आप नई अचीवमेंट्स हासिल करोगे. हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलोगे. लेजीनेस आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा. आप अपने काम के लिए पंचुअल हो जाओगे. हर एक काम बहुत टाइम पे करोगे. सन का ट्रांजिट 5th हाउस में आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है. आपको इस समय में फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे. बिजनेस में इंप्रूवमेंट होगी. आपके फाइनेंसिस अच्छे होंगे. सेविंग्स में राइज होगी. नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं. जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए सितंबर 2018 लाजवाब होगा. फाइनेंशियल टाइप्स बढ़िया होंगे. स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड गेंस होंगे. असेंडेंस से 10th हाउस में मार्स का डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट करना. गाइज, आपके लिए जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हैं उनके लिए भी सितंबर 2018 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और रिवार्डिंग जाने वाला है. इस मंथ में आपके फेम में, प्रॉस्पेरिटी में राइज होगा. जो प्लान्स आप बीते काफ़ी समय से सोच के चल रहे हो वो अगर आप इस समय में एग्जीक्यूट करोगे तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी. गाइज, आपके लिए सितंबर 2018 आपका सारा विजन क्लियर करेगा और आपके प्लान्स जो भी आप सोच रहे हो अपने करियर को लेकर, अपने जॉब और बिजनेस को लेकर, इस मंथ में आप ज़रूर अप्लाई करो. बिकॉज आपके द्वारा अप्लाई किए गए प्लान्स आपको नियर फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स देने वाले हैं. जो लोग जॉब करते हैं उनको सीनियर्स के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी. सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश होंगे. अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो सितंबर 2018 आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मंथ है. गाइज, ओवरऑल इस मंथ में आप नई हाइट्स पर रीच करोगे. आपके लिए इस मंथ में फेम, प्रॉस्पेरिटी, पोजीशन राइजिंग ये सब रहेगा. अगर इस मंथ में कुछ मुझे कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो गाइज वो है आपकी डीप थिंकिंग. सोचने की जरूरत नहीं है. 6 सितंबर 2018 के बाद सैटर्न 9th हाउस में डायरेक्ट मोशन में आ रहा है. तो गाइज, आपके बहुत से पेंडिंग काम क्लिक होने वाले हैं. फॉर्चून आपके फेवर में आने वाला है. ये मंथ एग्जीक्यूशंस का है. ये मंथ प्लानिंग को लेकर कुछ बड़ा करने का है. एक बात हमेशा याद रखें, एरिस असेंडेंस, नो डाउट हार्डवर्क बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपकी सक्सेस में. आपका स्ट्रगल बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है आपकी सक्सेस में. बट सबसे बड़ी चीज है आपका विजन. जितना बड़ा आपका विजन होगा, जितनी बड़ी थिंकिंग होगी, जितना बड़ा हौसला और हिम्मत होगी, उतनी बड़ी तरक्की होगी. क्योंकि जीत हमेशा आप अगर महसूस करेंगे तो वो आपके दिल में होगी. इंसान वो होता है जो हारी बाजी को भी जीतना सीखे. गाइस, आपके लिए, क्योंकि आप एरिस असेंडेंस के हो, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है. साहस की आपके अंदर एक ऐसा साहस है, एक ऐसी एनर्जी है जो नए आयाम स्थापित कर सकती है. सितंबर 2018 में आपके लिए मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती दिखती हैं. जो लोग फॉरेन से रिलेटेड कुछ बिजनेस करते हैं उनके लिए भी सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी रिवार्डिंग. गाइज, आपके लिए जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, नई डील्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल टाइप्स अच्छे हो सकते हैं. आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ आपके बहुत अच्छे लिंक्स डेवलप होंगे जो आपको नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे एडवांटेज देंगे. गाइज, आपके लिए स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बनाना. आपके लिए किसी भी रिलेशनशिप को लेकर इग्नोरेंस नहीं दिखानी. क्योंकि एरिस असेंडेंस आपके लिए रिश्तों को मजबूत रखना आपके सक्सेस की नींव है. चाहे वो दोस्ती है, चाहे बिजनेस एसोसिएशन है, चाहे आपका फैमिली एटमॉस्फेयर है. गाइस, जितनी ज़्यादा आपकी अपने रिश्तों पे पकड़ होगी उतनी ज़्यादा कामयाबी आपके कदम चूमेगी. नो मोर अबाउट दिस मंथली फोरकास्ट. विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो. नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद.